अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। रजवीर जी, आज इस देश के अंदर गायें सुरक्षित है लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया जाता है, तो कहाँ तक बेटियाँ पढ़ गई हैं और कहाँ तक बेटियाँ सेफ हैं उसके बारे में बताएं। देखिए, मैंने जहाँ तक अखबार में पढ़ा है, इनका ये नारा बिल्कुल इन्होंने उल्टा नारा दिया है। इनके कई नेता, इनके बहुत सारे नेता, मेरे को लगता है एक दो शायद इनके सांसद भी रहे हैं वेस्ट बंगाल के, ठीक है, जिनका कि मानव तस्करी तक में नाम आया जी। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उसके बिल्कुल कहीं नज़दीक भी नहीं है। ये जैसा बोलते हैं बिल्कुल उसके उल्टा करते हैं। मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में जो है, भारत में जो है, महिलाएं जो है तीन तलाक नहीं होना चाहिए, उसे हमारी मुस्लिम बहनें बहुत दुखी हैं, और दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती से सिर्फ अपनी सत्ता के लालच में उनसे अलायंस करते हैं, और जो पत्थरबाज हैं 15,000 पत्थरबाजों का ये मुकदमे वापस लेते हैं। ये पहले साबित करें कि ये क्या चीज़ करना चाहते हैं किसी की धार्मिक चीज़ों में। मेरी समझ में सरकार को बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, धार्मिक मुद्दे धार्मिक तरीके से ही अगर हल हो तो ज़्यादा बढ़िया, लेकिन ये धर्म और जाति के नाम पे बांट के और राजनीति करते हैं। मेरी समझ में उस राजनीति का बिल्कुल अंत होना चाहिए। देश को, देश की जनता को ये बात समझनी चाहिए, हमें सबको समझना चाहिए कि अब ये देश वहाँ आ गया है कि अब हमें जाति और धर्म से ऊपर उठना चाहिए, गैर बराबरी की सोच बंद करनी चाहिए और देश के बारे में सोचना चाहिए, अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हम स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, ना कि जाति की बात करें, धर्म की बात करें, गाय की करें, भैंस की करें, ये सब बातें ना करें। अब समाज जो है, अगर हमें आगे जाना है, लोगों के बराबर चलना है, चाइना में हमारे से सब चीज़ें ज़्यादा है, हमारे से गाड़ियाँ ज़्यादा है, हमारे से पोल्यूशन ज़्यादा है, हमसे पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन वो हमारे से इतना आगे, उसका कारण यही है कि ये जो गैर बराबरी वाली बातें, जो धर्म और जाति की बातें हैं, जो और किसी भी चीज़ की बातें हैं, वो लोग नहीं करते हैं, वो अपने देश को बढ़ाने की बातें करते हैं। हमें भी वो बातें करनी चाहिए, निश्चित तौर से पूरे देश को अब ऐसी सरकार बनानी चाहिए जो संविधान के अनुसार चले। हमारा संविधान बहुत अच्छे से लिखा गया, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, अगर उसके तरीके से अगर सरकारें चलेंगी 10-15 साल तो हमारा देश शायद वापस जो है सोने की चिड़िया बन सकता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।